नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज़। नजर डालते हैं आज की खबर पर। एक बंदर ने किया मुंबई में 35 से अधिक लोगों को जख्मी। मेट्रो 3 को लेकर अंधेरी मेरोल में आरे के पेड़ को काटे जाने से नाराज हुई थी बंदरों की एक टोली। जो पेड़ काटे गए थे उन पेड़ों पर बंदरों की एक टोली का था रैन बसेरा। सबसे पहले पेड़ काटने वाले जेसीबी चालक को बंदर ने किया था जख्मी। विशेषकर जेसीबी ड्राइवर, क्रेन ड्राइवर और जो लोग टोपी पहन रहे थे उन पर करते थे ये बंदर हमला। अब तक 4 बंदरों में से 2 ही धरे गए हैं, जिनमें टोली का मुखिया 16 मार्च की रोज रेस्क्यू किया गया। अब तक 35 से अधिक लोगों को बंदरों की इस टोली ने किया है बुरी तरह से जख्मी। मुखिया बंदर धरे जाने के बाद उसकी मेडिकल जांच की जा रही है। फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने पर ही इसे दोबारा जंगल में छोड़ा जाएगा, अन्यथा केज में रखा जाएगा। ये बंदरों का मुखिया आतंकी बंदर बोरीवली नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के कब्जे में है। मुंबई में एक बंदर की तलाश मुंबई स्थित बोरीवली नेशनल पार्क की टीम साथ ही मुंबई के मानखुर्द इलाके की वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू एसोसिएशन की टीम पिछले 9 महीने से कर रही थी। इस बंदर पर आरोप था कि इस खतरनाक बंदर ने अब तक 35 से अधिक लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक बंदर आखिरकार इस तरह से मुंबई के लोगों को अपना शिकार क्यों बना रहा है। चलिए हम आपके इस सवाल पर से भी पर्दा उठाते हैं। ये बताते हैं कि एक बंदर के जरिए किए जा रहे इस खतरनाक हमलों के पीछे की असली कहानी क्या है। ये वही बंदर है जिसकी तलाश मुंबई से सटे थाने वन विभाग की टीम के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू की टीम 9 महीने से कर रही थी। इस बंदर पर आरोप लगा है कि इस अकेले बंदर ने मुंबई के अंधेरी इलाके के अलग अलग जगहों पर तकरीबन 35 से अधिक लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया है। और इस बंदर के हमले की ये शिकायत 9 महीने पहले तब की गई थी जब इस बंदर ने सबसे पहला हमला किया था। शिकायत मुंबई के सटे थाने वन विभाग की टीम से की गई, जिसके बाद वन विभाग के साथ साथ इस बंदर को पकड़ने की जवाबदारी पहले वन विभाग की टीम को दी गई, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एंड रेस्क्यू की टीम को भी दी गई। आप सभी जरूर जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एक बंदर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 से अधिक लोगों को बुरी तरह से जख्मी किया। पहले आपको उन लोगों की तस्वीर दिखाते हैं जिन्हें इस बंदर ने इस तरह से जख्मी किया है कि सभी को सभी अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ा। इस बंदर के शिकार लोगों के बदन पर नजर अस रहे घाव देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बंदर का हमला कितना खतरनाक रहा होगा। अब आइए इस बंदर के हमले के पीछे की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल मुंबई के मारोल इलाके में और रोड पर मेट्रो 3 का काम जारी है और इसी काम के तहत 9 महीने पहले मेट्रो में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से कुछ पेड़ काटे गए और इन्हीं पेड़ों पर इस बंदर की टोली आया जाया करती थी। इस बंदर की टोली में कुल 4 बंदर हैं और ये उनका मुखिया है। पेड़ों के कटते ही बंदरों की ये टोली अचानक से जो भी मेट्रो के कर्मचारी, खासकर जेसीबी चलाने वाले, क्रेन ऑपरेटर या फिर जो कर्मचारी टोपी पहने में नजर आता उन पर बंदरों की ये टोली हमला कर देती। खासकर मुंबई के सबर्बन, अंधेरी, MIDC मेरोल, साकीनाका और चाकाला इलाके में इन बंदरों ने उत्पात मचा रखा था। लेकिन इस उत्पात का खेल का मुखिया 16 मार्च की रोज धरा गया। यही बंदर था बंदरों के मुखिये के हमले की कहानी हाल ही में मुंबई के मशहूर पानी के व्यवसाय करने वाली बिस्लेरी कंपनी में दिखाई दी, जहां बंदर के इस मुखिया और इसके एक साथी ने बिस्लेरी कंपनी के 2 कर्मचारियों को बुरी तरह से जख्मी किया। इसके हमले के बाद मुखिया बंदर का सहयोगी बंदर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के हाथ लग गया, जिसके बाद मुखिया बंदर और सतर्क हो गया और जैसे ही लोगों पर हमला करने की वारदात को ये अंजाम देता और पता चलने पर रेस्क्यू की टीम आती तो ये बंदर ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता ताकि वो पकड़ा न जा सके। लेकिन मारोल इलाके में 16 तारीख को रोज किए गए हमले के बाद इस बंदर को नियमों के तहत बेहोशी का इंजेक्शन देकर कई घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया।
बहरहाल मुंबई शहर में पिछले 9 महीने से ज्यादा समय तक लोगों में दहशत पैदा करने वाले, साथ ही लोगों को बुरी तरह से काट कर घायल कर देने वाले बंदरों की टोली का मुखिया अब बोरीवली नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के कब्जे में है और इसकी हर स्तर पर मेडिकल जाँच की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिटनेस सर्टिफिकेट ठीक होने पर ही इस बंदर को जंगल में छोड़ा जाएगा, अन्यथा इसे पिंजरे के भीतर ही कुछ महीने बिताने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की खबर। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।